हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल में तो आपने सीखा होगा पीएमटी फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए, मैंने लिब्रा कैल्क में पीएमटी फॉर्मूला यूज किया है और लोन अमाउंट कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वो आईपीएमटी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। तो ये लिब्रा कैल्क है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सेल नहीं है। हालांकि चीजें एक्सेल जैसी ही होंगी इसमें। ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में यूज होता है। इज इक्वल टू का निशान लगाया, लिखा आईपीएमटी, लिखा मैंने। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, यहाँ टैब दबाने की कोशिश करेंगे तो टैब से आपका काम नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.70%, तो इसको ले लिया हमने। अब चूंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रहने वाला है तो इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने F4 दबा करके। इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, हमको हर महीने वाइज का देखना है, हर महीने देखना है, तो महीने के हिसाब से ये देगा, कॉमा दे दिया। अब यहाँ पर सिंटेक्स में कह रहा है पीरियड, तो देखिए 1 से लेकर 12 महीने तक का पूरा डिटेल मैंने बनाया है। तो पीरियड पहला महीना मैंने सेलेक्ट किया, चूंकि ये मंथ हर महीने चेंज होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसको मैं ट्रैक करता हूँ तो ये दूसरा महीना आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, इस वजह से मैं इसे फिक्स नहीं कर रहा। ठीक है, कॉमा देते हैं। अब कह रहा है NPER यानी नेट पीरियड। नेट पीरियड कितना है, 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष मैंने लिखा हुआ है, ये ईयर है। अब इसको फिक्स करना होगा क्योंकि ये तो 2 ही वर्ष रहने वाला है, और इसको 12 से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट हमने जो लिया था वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसको हमने ले लिया, और ये भी सेम रहने वाली है, इसको भी फिक्स करता हूँ, कॉमा देता हूँ। यहाँ पर FB तो 0 ही रहेगा। टाइप में क्या करते हैं, हम महीने के स्टार्टिंग से ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो हम 0 लिखते हैं, और जिस डेट पर आपने लोन लिया था उस डेट से ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो 1 लिखते हैं। ठीक है, सॉरी 1 लिखते हैं, और अगर महीने के स्टार्टिंग से ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 0 लिख देता हूँ, बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है पॉइंट में। ठीक है, अब एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए -475 रुपए आ चुका है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये देना है। चलिए इसको ड्रैग करते हैं और देखते हैं, ये देखिए हर महीने ब्याज का रेशियो अलग होता जाएगा और ये कम होता जाएगा महीने दर महीने, क्योंकि हम हर महीने पेड करेंगे ब्याज। ठीक है, तो वो ब्याज का अमाउंट कम ही होता जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पीपीएमटी की बात कर लेते हैं। पीपीएमटी यानी, ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे रेट है, तो रेट सेम यही वाला होगा, इसको हम F4 दबा के फिक्स करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, तो यही वाला पीरियड भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि फिक्स नहीं करेंगे, हर महीने चेंज होगा, ये 2, 3, 4 ऐसे बनता जाएगा, तो इसको फिक्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पे NPER है, 2 वर्ष है, इसको तो फिक्स ही कर लेना है, तो यहाँ से फिक्स कर देता हूँ, 12 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, और PV यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, ये भी फिक्स रहेगी, तो इसको भी फिक्स कर देता हूँ, कॉमा देके 0। ठीक है, FB भी तो 0 ही रहने वाली है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब ये जो है पहले महीने का अमाउंट है, ठीक है, इसको ट्रैक कर देंगे तो हर महीने अलग अलग अमाउंट आएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि हम हर महीने इसको पेड कर रहे हैं, और अब देखिए इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारा PMT आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं, यहाँ पे सम करता हूँ मैं इन दोनों को, ये देख सकते हैं आप, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट किया, बंद किया ब्रैकेट को, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए यही वाला अमाउंट जो है यहाँ पर आ रहा है, और ये सब माइनस में आ रहा है क्योंकि हमें ये पेड करना है, देना है। तो देखिए सेम अमाउंट आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, दोनों को मैच कर लीजिए, यही सेम अमाउंट आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।